नमस्कार साथियों, मैं आपके लिए सोशियोलॉजी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ बीए फर्स्ट ईयर के। ओके, तो ना हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि समाजशास्त्र का राजनीति शास्त्र से संबंध व अंतर स्पष्ट कीजिए, मतलब हमें संबंध भी बताना है और अंतर भी बताना है। ओके, तो समाजशास्त्र तथा राजनीति शास्त्र के संबंधों का अध्ययन करने से पूर्व दोनों का अर्थ समझना आवश्यक है। तो हम देखते हैं पहले समाजशास्त्र का अर्थ क्या है और इसके बाद हम देखेंगे कि राजनीति शास्त्र का अर्थ क्या है। तो इसकी कुछ परिभाषाएं दी हुई हैं और कुछ अर्थ दिया हुआ है, उसको हम देखते हैं। तो समाजशास्त्र एक नवीन सामाजिक विज्ञान है जिसको एक पृथक विज्ञान के रूप में स्थापित करने का श्रेय अगस्त काम्टे को है। इसको है अगस्त काम्टे को है। काम्टे ने इसे एक ऐसे विज्ञान के रूप में स्थापित किया जो प्रत्यक्षवादी पद्धति के आधार पर सामाजिक घटनाओं का कार्य कारण संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन कर सके। इस प्रकार समाजशास्त्र सामाजिक समूहों, सामाजिक संबंधों, सामाजिक क्रियाओं एवं समग्र रूप से संपूर्ण समाज का वैज्ञानिक व व्यवस्थित अध्ययन करने वाला विज्ञान है। ठीक है, और कुछ यहाँ पे जो समाजशास्त्री हैं उन्होंने डेफिनेशन दी है इसकी, तो उसको देख लेते हैं। जॉनसन ने कहा है कि समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का विज्ञान है। मैकावर हैं अगले, तो मैकावर को देखते हैं हम लोग। मैकावर एवं पेज दोनों ने कहा है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं। अगला है हमारा कि राजनीति विज्ञान का अर्थ एवं परिभाषाएं समझाइए। तो राजनीति देख लेते हैं हम लोग। राजनीति का अंग्रेजी रूपांतरण पॉलिटिक्स यूनानी भाषा के पॉलिस शब्द से बना है। मतलब राजनीति को इंग्लिश में हम पॉलिटिक्स कहते हैं और जो पॉलिटिक्स शब्द आया है वो यूनानी भाषा के पॉलिस से आया है जिसका अर्थ है नगर। प्राचीन यूनान में आज की तरह बड़े बड़े राज्य ना होकर छोटे छोटे नगर राज्य मतलब सिटी स्टेट थे। उस समय राजनीति से तात्पर्य उस विधा से था जो नगर या राज्य की समस्याओं का ज्ञान कराती थी। मतलब जो नगर और राज्य की समस्याओं का जो ज्ञान कराती थी उसके लिए हम पॉलिटिक्स राजनीति ही कहते थे। आज राजनीति विज्ञान में राज्य तथा सरकार से संबंधित समस्याओं और प्रश्नों का अध्ययन किया जाता है। मतलब राजनीति विज्ञान में क्या किया जाता है, राज्य है और सरकार से संबंध जो भी समस्याएं हैं, जो भी प्रश्न हैं उनसे उनका अध्ययन किया जाता है। गार्नर के अनुसार, गार्नर जो पॉलिटिशियन है, सॉरी पॉलिटिशियन नहीं, राजनीति शास्त्र के से संबंधित उन्होंने परिभाषाएं दी हैं। राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है, ये गार्नर ने कहा है। गिलक्राइस्ट ने कहा कि राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार की सामान्य समस्याओं का अध्ययन है। अगला है बेटा कि समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र में संबंध, इन दोनों का रिलेशन क्या है वो हम लोग देखते हैं। समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र दोनों में घनिष्ठ संबंध है। समाज में होने वाले राजनीतिक परिवर्तनों से सामाजिक व्यवस्था में भी परिवर्तन हुआ है। ठीक है, मतलब समाज में होने वाले जो राजनीतिक परिवर्तन हैं उनसे क्या हुआ है, सामाजिक व्यवस्था में भी परिवर्तन हुआ है। इधर सामाजिक परिस्थितियों के कारण भी राजनीति में उथल पुथल होती है। इस प्रकार घुले मिले हैं कि पता ही नहीं चलता कि कब राजनीति शास्त्र का अंत होता है और कब समाजशास्त्र का प्रारंभ होता है। इस संबंध में गिडिंग्स ने लिखा कि समाजशास्त्र के प्रारंभिक नियमों से अनभिज्ञ व्यक्ति को राज्य के सिद्धांतों की शिक्षा देना उसी प्रकार निरर्थक है जिस प्रकार न्यूटन द्वारा बताए गए गति विज्ञान के नियमों से अनभिज्ञ व्यक्ति को ज्योतिष की शिक्षा देना है। ओके, तो वस्तुतः समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र इतने घनिष्ठ हैं कि इनमें अंतर करना कठिन हो जाता है कि समाजशास्त्र के प्रणेता अगस्त काम्टे तथा हर्बर्ट स्पेंसर ने समाजशास्त्र को राजनीति शास्त्र में कोई अंतर ही नहीं माना है। इसका कारण यह है कि समाजशास्त्र मानव को सामाजिक प्राणी बनाने का प्रयत्न करता है,
समाजशास्त्र, जबकि राजनीति शास्त्र व्यक्ति को आदर्श नागरिक बनाने हेतु प्रयासरत रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट दोनों ये हैं। यहाँ पे देखिए जा, समाजशास्त्र मानव को सामाजिक प्राणी बनाने का प्रयत्न करता है, लेकिन मतलब जबकि राजनीति शास्त्र व्यक्ति को आदर्श नागरिक बनाने हेतु प्रयासरत रहता है। समाजशास्त्र के नियमों और सिद्धांतों के आधार पर ही कोई राज्य विभिन्न जातियों एवं धर्मों के लोगों में सामंजस्य बनाने हेतु व्यवस्था बनाने का प्रयत्न करता है। समाज के अन्य पहलुओं का ज्ञान हुए बिना नागरिक आदर्श नागरिक बनाना कठिन है। अब देखते हैं बेटा, समाज शास्त्र और राजनीति शास्त्र में अंतर क्या है, अंतर स्पष्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट पॉइंट हमारा, समाजशास्त्र का क्षेत्र विस्तृत है क्योंकि समाजशास्त्र में व्यक्ति से संबंधित सभी पक्षों पर विचार किया जाता है। इसके विपरीत राजनीति शास्त्र का क्षेत्र संकुचित है क्योंकि यह केवल राजनीतिक घटनाओं का ही अध्ययन करता है। सेकंड है हमारा, समाजशास्त्र में प्रत्येक घटना के सामाजिक पहलू का अध्ययन किया जाता है, जबकि राजनीति शास्त्र प्रत्येक घटना के राजनीतिक पहलू का अध्ययन करता है। थर्ड है हमारा, समाजशास्त्र में संगठित तथा असंगठित दोनों ही समूहों का अध्ययन किया जाता है, जबकि राजनीति शास्त्र में राज्य जैसे संगठित समूह का ही अध्ययन किया जाता है। राजनीति मतलब राज्य से लेकर रिलेट कर रहा है यहाँ पे, और वो सामाजिक मतलब समूह को लेकर रिलेट कर रहा है। और हमारा, समाजशास्त्र में नैतिकता के नियमों को प्राथमिकता दी जाती है, ठीक है, जिनका पालन व्यक्ति स्वेच्छा से करता है, मतलब समाजशास्त्र में। इसके विपरीत राजनीति शास्त्र में कानूनों पर विशेष बल दिया जाता है, जिनका उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को राज्य की ओर से दंड दिया जाता है। समाजशास्त्र में सामाजिक समूह को इकाई मानकर अध्ययन किया जाता है, जबकि राजनीति शास्त्र में अध्ययन की इकाई व्यक्ति अथवा राज्य है। सिक्स पॉइंट है, समाजशास्त्र व्यक्ति के चेतन और अचेतन दोनों प्रकार के व्यवहार से संबंधित है। इसके विपरीत राजनीति शास्त्र केवल चेतन व्यवहार से संबंधित है। सेवन पॉइंट हमारा, समाज का निर्माण और विकास राज्य से बहुत पहले हुआ, इसलिए समाजशास्त्र राजनीति शास्त्र से अधिक प्राचीन है। मतलब समाजशास्त्र क्या है, वो राजनीति शास्त्र से पहले का है या उससे ज़्यादा प्राचीन है। तो इस क्वेश्चन में आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन भी बेटा मिल जाएंगे और लघु क्वेश्चन भी आपके इसमें फंस जाएंगे, तो क्वेश्चन सही से तैयार कीजिएगा। थैंक यू।